गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा, कहा बढ़ाई जाए कोरोना की टेस्टिंग की क्षमता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक। 31 जुलाई तक फसलों के बीमा करने के दिए निर्देश, कहा अब स्वैच्छिक कर दिया गया पीएम किसान फसल योजना का लाभ। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने रचित हॉस्पिटल दाऊदपुर, पल्स हॉस्पिटल छात्र संघ चौराहा, डॉक्टर आनंद बंका, डॉक्टर बेरी गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब, नहीं देने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शाहपुर और गोरखनाथ में लागू की गई है निषेधाज्ञा, जिससे काबू में हो सके कोरोना। गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में लगाए गए लॉकडाउन एरिया का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, कहा शनिवार को 5 स्थानों पर लगाया जाएगा कोरोना टेस्टिंग कैंप, जिससे संक्रमितों की हो सके पहचान और समय से हो उपचार। गोरखपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना के मिले नए 81 मरीज, मरीजों की संख्या हुई 1430, इसमें 740 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर, जबकि 655 मरीजों का चल रहा है इलाज। अब तक 35 कोरोना संक्रमित मरीजों की हो चुकी है मौत, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। संभावित बाढ़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ है सतर्क, एसएसपी ने कहा किया गया है प्रत्येक थानों को सतर्क, बरती जा रही है सावधानी। महानगर में भ्रमणशील रहकर सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना मास्क और अनावश्यक घूम रहे लोगों का किया चालान, वसूला 4500 रुपए का जुर्माना। लोगों से की अपील, कहा बिना मास्क के ना निकले घर से बाहर, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई। कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते के 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स के प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीओ कोतवाली वीपी सिंह और तिवारीपुर थाना अध्यक्ष ने प्रशिक्षुओं को अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने के दिए मूल मंत्र। और कुआनो नदियों को छोड़कर जनपद की सभी नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर, आपदा विशेषज्ञ ने कहा जिले में कहीं नहीं है बाढ़ की समस्या, स्थिति सामान्य है।